हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं नहा लिया हूँ और ले रहा हूँ पहली मील। पहली मील में 60 ग्राम ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और 6 एग वाइट्स ले रहा हूँ। और रात को जितना मैं लो था सोते टाइम, सुबह उठने के बाद उतना एनर्जेटिक हो गया हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है सो के उठने के बाद, बहुत बढ़िया। और फटाफट से मील लेंगे और फिर चलेंगे जिम। और आज करेंगे हम चेस्ट का वर्कआउट, तो आप लोगों को चेस्ट का वर्कआउट दिखाता हूँ आज। तो फटाफट से मील ले लेता हूँ और फिर आप लोगों से जिम में मिलता हूँ, ठीक है? सो चलो। गाइस, जिम आ चुका हूँ और वार्म अप कर रहा हूँ। चिन अप और पुशअप की वेरिएशन है वो दिखाता हूँ आप लोगों को अभी, ठीक है? चलो तो गाइस, पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच। चलो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है इंक्लाइन बेंच। अब सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं इंक्लाइन फ्लाई, डंबल फ्लाई। और बेसिकली आज अपर चेस्ट टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को करके दिखाता हूँ मैं एक्सरसाइज। ये हुआ एक सेट, और ऐसे भी 3 सेट और करने हैं और फिर इसके आगे की एक्सरसाइज और दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? चलो। सो गाइज, अब कर रहे हैं हम थर्ड एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जिसे भी अपर चेस्ट डेवलप करनी है, ये एक्सरसाइज फॉलो करें और 4 वीक फॉलो करें इसे, और फिर रिजल्ट देखें। चलो, तो अगली एक्सरसाइज में मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस, 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, ये फोर्थ एक्सरसाइज है, और अब हम करेंगे हैमर ग्रिप प्रेस। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, अपर चेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आप लोग भी लगाना और मुझे बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। इसके मैंने करे हैं 20 रैप्स। और यार देखो, किसी भी फिजिक में ना, जब तक अपर चेस्ट ना हो ना, तब तो वो फिजिक में मज़ा नहीं आता है। तो अपर चेस्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैं स्पेशली अपर चेस्ट का ही वर्कआउट कर रहा हूँ। आप लोग भी देखो और ये वर्कआउट ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वर्कआउट। चलो, तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलता हूँ आप लोगों से।
सो गाइज, फोर एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, ये फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज है, फिनिशर करेंगे, और ये वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज है अपर चेस्ट के लिए। पुल ओवर लगाएंगे अब हम, तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को पुल ओवर। इसके लगाया मैंने 15 रैप्स, और इसमें थोड़ा शोल्डर पे भी आ रहा था इसलिए 15 रैप्स ही लगाए। बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लास्ट सेट है, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज है, तो अभी इसके तीन सेट और लगाने हैं, तीन सेट लगा कर फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइज, वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और अब टाइम हो चुका है मील का, तो मैं एक एप्पल खाऊंगा, एक स्कूप प्रोटीन पीऊंगा, और 6 एग वाइट्स खाऊंगा। और आज हमने करी है 5 एक्सरसाइज अपर चेस्ट की, और पांचों एक्सरसाइज के चार चार सेट करें और 15 से 20 रैप करें हैं उसके, जिससे कि आप लोग भी ये वर्कआउट प्लान करके देखो, ट्राई करो और देखना, डेफिनेटली अपर चेस्ट में इंप्रूवमेंट होगी। और एक चीज़ और कि मैं सारी एक्सरसाइजेस के आपको सिर्फ एक एक सेट दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं दो टाइम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अगर सारी सेट्स दिखाऊंगा आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए सिर्फ मैं एक सेट दिखाता हूँ। बाकी अब मैं फटाफट से मील लेता हूँ और घर जाके फिर मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है? चलो जी, तो मैं कर रहा हूँ लंच, घर आ गया था। घर आने के बाद मैंने फटाफट चिकन बॉईल किया, फिर चटनी ख़त्म हो गई थी, चटनी बनाई, और अब लंच कर रहा हूँ। वर्कआउट करने के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मन कर रहा था बस फटाफट खाऊं और सो जाऊं, तो अभी मेरी वही हालत हो रखी है, तो इसलिए फटाफट से मैं अभी लंच करूँगा और उसके बाद मैं फटाफट से सोऊँगा, अगर सो पाया तो ट्राई करूँगा, और फिर प्री वर्कआउट मील लेंगे, और फिर आज हम करेंगे शोल्डर शाम को। तो फटाफट से मैं ये मील खत्म करके सो जाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ प्री वर्कआउट मील में, ठीक है? चलो जी, तो मैं उठ चुका हूँ सो के, मेरी शक्ल से ही पता लग रहा होगा आप लोगों को। पहले मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता था, मैं नींद ही नहीं आती थी मुझे दिन में, लेकिन जब से ये मैंने दो बार ट्रेनिंग स्टार्ट करी है ना दिन में, वर्कआउट से आने के बाद बस लेटते ही बेहोश हो जाता हूँ मैं, तो मुझे होश भी नहीं रहता। अलार्म लगाया था, बड़ी मुश्किल से उठा, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी उठने का, लेकिन उठा फिर मैंने कहा वर्कआउट करना है, तो अभी ले रहा हूँ प्री वर्कआउट मील। इसमें 60 ग्राम ओट्स और 6 अंडे खाऊंगा, जिसमें से 2 होल एग खाऊंगा और 4 एग वाइट्स खाऊंगा, और 8 अंडे लेके जाऊंगा मैं पोस्ट वर्कआउट मील के लिए, ठीक है? तो फटाफट से ही मील ले लेता हूँ, फिर आप लोगों से जिम में मिलता हूँ और करेंगे शोल्डर आज, तो शोल्डर का वर्कआउट दिखाता हूँ आप लोगों को बढ़िया वाला, ठीक है? चलो
पहुंचा तो जिम एकदम खाली, मैं शॉक्ड। मैंने कहा आज जिम क्यों खाली है, फिर मुझे पता लगा कि आज तो करवा चौथ है, दुनिया करवा चौथ मना रही है और हमने मनाया अपना करवा चौथ जिम में। फिर मतलब वर्कआउट हुआ अच्छा, बढ़िया मज़ा आया, बस अब बहुत थकान हो गई है, बस अब डिनर करके सोऊंगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, किसी के काम आए फिटनेस टिप्स। तो इस व्लॉग को यहीं करता हूँ एंड, बाकी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। चलो बाय बाय।